यहाँ पर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवारी दी है उसके लिए मैं औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र की ओर से माननीय हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी, अशोक चव्हाण जी, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता कि कांग्रेस पार्टी ने एक माइनॉरिटीज़ गरीब मजदूम की आवाज़ उठाने वाला अपनी शायरी के ज़रिए से हो या पॉलिटिकल स्टेट पे हो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने वाले एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के ऊपर लिए जिससे देश के अंदर होने वाले माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुलूम और माइनॉरिटीज़ के ऊपर ना हकपरस्ती थी इसके लिए वो बोलेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा और एक बार इस मौके पे करते हैं कि जनाब इमरान प्रतापगढ़ी भले ही राजनीति में नहीं थे लेकिन 10 साल से गरीबों का दर्द अपनी शायरी के ज़रिए से बोलते थे और मजलूमों की आवाज़ उठाते थे, सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट करते थे पूरे देश में जा जा के। आज पार्टी ने पहली मर्तबा, मैं तो ये बोलूँगा कि शुक्रिया अदा भी करना है हमें, लेकिन ये बोलना कि पहली मर्तबा पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी के चेहरे में पब्लिक में का इंसान दिया जिससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा, कार्यकर्ताओं को ताकत मिलेंगी। नहीं तो होता ये था कि पार्टी ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती थी जो अपनी पोस्ट को लेके अपने ग्रामीण भाग के अंदर हो या फिर अपने स्टेट के अंदर हो नहीं घूमता था। मुझे उम्मीद है इमरान प्रतापगढ़ी जी से कि महाराष्ट्र के अंदर घूम के वो कांग्रेस को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं हमारे सीनियर पठान साहब, माजी शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी डायरेक्टर मौलाना आज़ाद मंडल और हमारे सैयद अकरम एडवोकेट सैयद अकरम जी, माजी शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी इरफान भाई, मोइन कुरैशी, साजिद कुरैशी, हमारे अजीम पप्पू, इन सब कार्यकर्ता जितने यहाँ पर आए इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता जिन्होंने इस जुलूस के अंदर आके सहभाग हुआ और खुशी का इजहार किया।